व्यर्थचक भर्ती में कुछ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यर्थचक भर्ती का आज से आवेदन होना था, लेकिन इसे थोड़ा सा टाल दिया गया क्योंकि इसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ सीटेट अपेयरिंग के अभ्यर्थियों की मौका मिलने की पूरी संभावना है क्योंकि सीटेट की विज्ञप्ति आ चुकी है। सीटेट का आवेदन भी ऐसे शुरू हो रहा है। तो अगर बात करें जूनियर के लिए तो जूनियर में जो सीटेट पास नहीं थे जिनको संशय था अपने 8290 नंबर को लेकर, वो भी अब अपेयरिंग में आवेदन कर पाएंगे और उनके लिए भी एक बढ़िया मौका खुल सकता है। बाकी चीजें जैसे ही नोटिफिकेशन आता वैसे ही क्लियर हो जाएगा। एक सवाल उठता है कि जब आज नोटिफिकेशन आना था, आज से फॉर्म भरा जाना था, आवेदन होना था, फिर इसको डिले क्यों किया गया? डिले होने के कारण क्या पदों की संख्या वृद्धि की जा रही है? पहले 70,000 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब इस पदों की संख्या 1,20,000 पदों पर होने की जो प्रबल संभावना है, इस वजह से भी इसे टाल दिया गया है ताकि अब अपडेट होकर आए। अपडेट होने के साथ साथ बार बार पूछा जा रहा है कि क्या जो सीटेट फेल अभ्यर्थी थे या जिन सीटेट नहीं पास थे या जिनके सीटेट में कम अंक थे, क्या वो इस बार फॉर्म भर पाएंगे? क्या उन्हें इस बार फॉर्म भरने में मौका मिल पाएगा या वे अब आवेदन कर पाएंगे? ऐसे सवाल अगर आपके जहन में, इसका जवाब है हाँ, सीटेट और के जो अभ्यर्थी अपेयरिंग में थे वो इसमें फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो जो पहली विज्ञप्ति थी जो बीपीएससी ने जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि फॉर्म 3 नवंबर से भरना शुरू हो जाएगा और परीक्षा जो है 7 से लेकर 10 तारीख तक होगी। अब इसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब ये मानकर चलेगा कि परीक्षा की तिथि भी बढ़ सकती है और फॉर्म भरने के जो दिन है उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो दोनों बात है और इस हफ्ते के अंत तक माने दीपावली से पहले आपका आवेदन होने की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाएगी। एक और सवाल आपसे आ रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से है, तो दीपावली के आसपास फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। एक सवाल बार बार आ रहा है कि क्या क्या बड़े बदलाव हुए, तो बड़े बड़े बदलाव में देखिएगा कि पीआरटी की भी भर्ती आने की संभावना बन गई है। जी हाँ, वर्ग 1 से लेकर 5 तक अगर हम बात करें, 1 से लेकर 5 तक में भी लगभग 10,000 से 20,000 पदों पर भर्ती आ सकती है क्योंकि 8,000 पद ऐसे थे जो रिक्त रह गए थे और उसमें से भी जब ज्वाइनिंग दिया गया 2 नवंबर को, उस ज्वाइनिंग देने के बाद भी लगभग 8,000 से 10,000 पद ऐसे थे जिनकी डीबी में या कुछ और प्रकार से तकनीकी समस्या की वजह से लगभग 8,000 से 10,000 पद ऐसे थे जिन पर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई, जिन्हें उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि क्या इस पदों को जो दोबारा मेरिट जारी की जाए, तो ये भी कहा जा रहा है कि दोबारा मेरिट भी जारी की जा सकती है। जो बॉर्डर लाइन के आसपास बच्चे थे उनको भी मेधा सूची में मौका मिल सकता, उन्हें भी बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिल सकता। या एक और कैच लगाई जा रही है कि पीआरटी में भी अब भर्ती की जो संभावना है वो बीपीएससी आपके जो 2.00 फेज 2 है उसमें भी देखने को मिल सकता। हो सकता है इस पद की संख्या इस बार कम हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 18,000 हो, 15,000 पद हो, तो यहाँ भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बीपीएससी 1 से लेकर 5 तक के लिए भी मौका मिल सकता है। और अगर इसमें मौका मिलता तो जैसे पहले की बात ही था, यहाँ पर सीटेट जो होगा इसके लिए जो सीटेट है वो पेपर फर्स्ट होगा। मतलब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ के लिए अगर जो सीटेट होगा वो सीटेट पेपर फर्स्ट यहाँ पर होगा। और इसमें केवल केवल अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे केवल केवल बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे अगर ऐसा होता है तो। दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ सर आपके समझ में आ गया। दूसरी बात यह रही कि इसमें एक और बात आ रही है बीटीसी और डीएलएड, तो बीटीसी और जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं इन्हें अगर 1 से लेकर 5 तक खुलता है तो 1 से लेकर 5 तक के लिए मौका मिलेगा और 6 से लेकर 8 तक के लिए। माने अगर जो बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें अगर प्राइमरी की विज्ञप्ति होती है, क्योंकि ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि प्राथमिक भर्ती आ सकती है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम इसके अंतिम निर्णय पर जाना कतई सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद अभी लग रही है, एक उम्मीद किरण है कि हाँ अब प्राइमरी में भी पद जो रिक्त हैं उनमें या तो मेरिट डाउन की जाएगी या नए पदों पर विज्ञप्ति होगी। जिस हिसाब से 1,20,000 पदों की बात की जा रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी 1 से 5, 6 से 8, 6 से लेकर 8 तक का जो मामला था ये पूरी तरह से क्लियर है, यानी ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि इस पर भर्ती आनी है। अब जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दीजिएगा, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो 6 से लेकर 8 तक में आवेदन कर सकते हैं और वो अभ्यर्थी जो है वो 9 और 10 में आवेदन कर सकते हैं, ये अभ्यर्थी 11 और 12 में आवेदन कर सकते हैं, ये इस तरह से आवेदन कर पाएंगे। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो 6 से लेकर 8 तक वाले में कर पाएंगे, 9-10 में कर पाएंगे, 11-12 में कर पाएंगे। अब इसमें भी ये जान लीजिएगा जो अभ्यर्थी 6 से 8 वाले में देंगे, चाहे बीटीसी बीएड डीएलएड हो चाहे बीएड का अभ्यर्थी हो, उसे सीटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। अगर नहीं पास है तो अपेयरिंग में भी आवेदन कर पाएगा, ये बुरी बातें साफ हो पाएंगी जैसे ही विज्ञप्ति आती है, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। दूसरी बात, जो बीएड के अभ्यर्थी है अगर 6 से 8 तक के लिए वो आवेदन करो उसके लिए जूनियर का सीटेट होना चाहिए, नहीं है तो अपेयरिंग में, और
अगर डीएल 9, 10, 11, 12 के लिए यहाँ पर एस्टेट होगा, और एस्टेट पार्ट होना जरूरी है, एस्टेट अपेयरिंग नहीं लेगा, एस्टेट में आपको पास होगा कि एस्टेट अभी संभावना नहीं कुछ हो जाए, लेकिन बिहार सरकार इस पर भी चर्चा कर रही है कि वो फिर से एक बार एस्टेट कराए, लेकिन अभी देखना क्या ये बातें अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि क्या दोबारा एस्टेट होगा। जी हाँ, ये भी पूरा संशय बना है कि दोबारा भी एस्टेट हो सकता है, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम आने से पहले ध्यान दीजिएगा, जो बीपीएससी फेज टू है इसके अंतिम परिणाम आने से पहले, इसका जो अंतिम परिणाम है उसके आने से पहले एस्टेट का परिणाम आ जाए, उसके परिणाम आने से पहले यदि सीटेट का परिणाम आ जाता है तो आपका हो जाएगा। एक सवाल मन में आ रहा है सर, सीटेट अपेयरिंग में भर देते हैं, इसकी परीक्षा 21 जनवरी को होनी है, क्या उसके पहले बीपीएससी रिजल्ट जारी कर सकता है? देखिए, बीपीएससी अगर दिसंबर में परीक्षा कराती है तो यकीन मान के ये 1 महीना से 1.5 महीना लगता है उत्तर कुंजी जारी करने में, तब तक सीटेट की भी उत्तर कुंजी आ जाएगी, मतलब ये उम्मीद लग रही है, इसलिए सीटेट अपेयरिंग के अभ्यर्थी जो है वो थोड़ा सा अपने मन में ध्यान रखें, उनको ये उम्मीद रखें, अपने भरोसा रखें, उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, जो सीटेट अपेयरिंग है ये पूरी संभावनाओं पे है। और यहाँ पर एक बात आ रही है, बड़े बदलाव क्या क्या है, बड़े बदलाव मैंने आपको एकदम स्पष्ट बता दिया कि पदों की संख्या में वृद्धि हो रही है और पीआरटी में भी मौका मिलने की पूरी संभावना है, माने जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो भी जिनको उम्मीद थी कि पीआरटी में उन्हें मौका मिल सकता है क्या, जी हाँ उन्हें पीआरटी में भी मौका मिल सकता है, पीआरटी उनके लिए एक अचूक तरीका हो सकता है जो सीटेट पेपर फर्स्ट पास है। दूसरी बात यह भाषा को लेकर है, 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर पीआरटी के लिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसके लिए यहाँ पर सीटेट जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो सीटेट है यहाँ पे पेपर फर्स्ट की जरूरत होगी। 6 से लेकर 8 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीटेट होगा वो पेपर टू इसके लिए पास होना जरूरी है, पास या पेरिंग दोनों के लिए पास या पेरिंग, पिछले भर्ती में हुआ था इसलिए, क्योंकि बिहार सरकार चाहती है ज्यादा फॉर्म भरे, जब कोई भी सरकार हो वो चाहेंगी ज्यादा फॉर्म भराए, और फॉर्म भरवाने के लिए ज्यादा वो ये स्टंट आपके सामने रख सकते हैं। वर्ग 9-10 के लिए बताए यहाँ पर आपके पास एस्टेट होना जरूरी है, अगर आप एस्टेट हैं फर्स्ट पेपर तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, और वर्ग 11-12 के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके पास एस्टेट पेपर टू अगर आप है इसमें भी आप आवेदन कर पाएंगे। अब ये सवाल उठता है साइंस और मैथ, ठीक है, साइंस और मैथ 9, 10, 11, 12 में साइंस और मैथ अलग अलग लेंगे, लेकिन जूनियर में साइंस और मैथ एक ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये विज्ञप्ति आने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी, मान जो 6 से 8 तक में आवेदन करेंगे उनके लिए विज्ञान अलग गणित अलग, दोनों विज्ञान और गणित अलग अलग भर सकते हैं, या इसमें ये संशय बना है दोनों एक ही में, तो अभी तक जो बातें स्पष्ट हो गई वो एकदम साफ स्पष्ट हो गई है कि 6 से लेकर 8 तक में आपको इन दोनों के लिए साइंस और मैथ मिलाकर पढ़ना है। अब ध्यान रहे कि 1 से लेकर 8 तक की बात अगर करें तो ये जो पूरा पैटर्न है, यहाँ पे एक बात मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा, और ये पूरा एनसीईआरटी है, ये क्या है, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ये कैसा होगा, एनसीईआरटी, एक मिनट होगी, मैं यहाँ पर ये जो पूरा पैटर्न है ये पूरा एनसीईआरटी, ये पूरा जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर होने वाला है, ये जो पूरी भर्ती है ये 6 से 8, 9, 10, 11, 12 इसका जो पूरा सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी डिजाइन होगा, लेकिन अगर 1 से लेकर 5 तक की बात करें तो ये होगा ये होगा आपका एससीईआरटी बेस्ड, एससीईआरटी, तो ये जो होता है एससीईआरटी बेस्ड होता है 1 से लेकर 5 तक, लेकिन 6 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी की भी नोट्स आपको इलेनी दुर्गेश पर मिल जाएंगे। एसएसटी के लिए देखिए, जो सीटेट एसएसटी से पास है एसएसटी का देंगे, जो सीटेट साइंस और मैथ से पास है जूनियर के लिए वो साइंस और मैथ से देंगे, बाकी एसटेट जिस सब्जेक्ट से पास है वही एसटेट में दे पाएंगे, मतलब जिससे वो एसटेट पास है। जब भाषा की बात आती है कि सर भाषा हम कब ले सकते हैं, कई बार देखिए कुछ लोगों ने अगर ग्रेजुएशन में 2 साल भी पढ़ा है तो भी भाषा ले सकते हैं, और 3 साल के लिए अनिवार्य, 3 साल आपने भाषा ले रखा है किसी भी में तो आप भाषा ले सकते हैं, और जो भाषा जिनका है वो एस्टेट दे सकते हैं, लेकिन एस्टेट वाले भी भाषा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ग्रेजुएशन में उनके लिए एक शर्त यह है कि जो स्नातक कर रहे हैं उस स्नातक में 3 वर्ष तक उन्होंने उस भाषा को पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है विज्ञप्ति आने के बाद स्पष्ट हो जाए अगर ग्रेजुएशन में कोई 2 वर्ष भी पढ़ा है वो भी भाषा से हिंदी कोई 2 साल पढ़ा है तो भी ले सकता है, अगर हिंदी के साथ कोई सोशल सब्जेक्ट पढ़ा है तो एसएसटी भी ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जिसका तीनों लैंग्वेज है क्या वो एसएसटी से फॉर्म भर सकता है, जी हाँ वो एसएसटी से भी आवेदन कर सकता है, क्योंकि वो सीटेट जो होता है वो एसएसटी से ही पास होता है। तो यहाँ पर इतनी पूरी बातें जो थी ये पूरी तरह से मुझे लगता है आपकी स्पष्ट हो गई, यहाँ तक किसी के मन में न कोई प्रश्न रह गया होगा न कोई संशय रह गया। बहुत सारे आपके सवाल आते हैं जो हर दिन एक नए नए सवाल के रूप में आते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को प्राप्त हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटिंग है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको कई चीजें जानने को मिल जाएगी, हो सकता है आपके लिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग टेलीग्राम पर, अगर अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप
दुर्गेसर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेसर जरूर जुड़िएगा। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो जितनी भी क्लास होती है, वीडियो लिंक होती है, सबकी नोटिफिकेशन आपको पूरी मिल जाएगी। और आप चाहते हैं कि नोट्स जो भी है ई लर्निंग विद दुर्गेस के जनसैटी पैटर्न पूरी कंप्लीट नोट्स है, 6 से लेकर 8 तक मिल जाएगी, और सीटेट के भी नोट्स मिल जाएगी, 9, 10, 11 बार सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसका जो कॉमन पेपर है जीएसजीके का 40 नंबर का, उसकी भी नोट्स आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें ई लर्निंग विद दुर्गेस से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ही ई लर्निंग विद दुर्गेस के नोट्स पढ़ता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। एज ए गेस्ट ग्रुप में मेरी भी क्लासेज यहाँ पर चलती हैं, जो आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क होती है। नोट्स के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इस समय जो पूरी नोट्स है पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आपके घर तक मतलब जैसे जुड़ेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक, उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल लिखकर, नंबर अपना, जिला लिखकर व्हाट्सएप करिएगा, तो यहाँ पे हर भर्ती या वीडियो लिंक संबंधित आपको सभी जानकारी एक ही जगह से मिल जाएगी। अभी हम और आगे चलते हैं सेशन को, और आगे भी देखेंगे कि अभी क्या कुछ बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। वैसे फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन सभी तक ये जो आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उसके जवाब भी उन लोगों तक पहुंच जाए और उन लोगों तक। और ई-लर्निंग विद दुर्गेस ऐप अगर अभी तक आप नहीं प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, तो प्ले स्टोर से अगर ई-लर्निंग विद दुर्गेस ऐप डाउनलोड करेंगे, एनसीईआरटी की 6 से 12 तक के सभी जो नोट्स है वो वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। आइए इसमें कुछ और जो बदलाव है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या क्या बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। अब देखिए बीपीएससी ने क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पे काम की हो सकती है या आपके उपयोगी हेतु है। जैसे यहाँ पर हम कुछ चीजों को पर अगर गौर करें तो बदलाव में संकेत क्या है, बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां, मतलब दूसरे चरण की जो रिक्तियां हैं वो जारी होनी थी, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या वृद्धि करने के नाते, हो सकता है पीआरटी को सम्मिलित करने के नाते, इसकी जो तिथि है, इसकी डेट है, उसमें बदलाव मिल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर है दूसरे चरण का जो आवेदन है वो कल से शुरू हो सकता है, यहाँ पे माना जा रहा है, और यहाँ पर 14 तक चलेगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, मान लीजिए मुख्य परीक्षा है जहाँ पर आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी 120 प्रश्न पर ही आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा। बिहार लोक सेवा दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती नियुक्ति की जो रिक्तियां हैं यह गुरुवार को जारी करेगा, लेकिन जारी नहीं हो पाई है, शुक्रवार को से आवेदन की प्रक्रिया जो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन अब यह लग रहा है कि इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है शुक्रवार की जगह 1-2 दिन डिले, 1-2 दिन आगे से शुरू हो सकती है। और यहाँ पर 14 नवंबर तक आवेदन होगा, लेकिन आवेदन की तिथि बढ़ सकती है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। और अपेयरिंग के बेसिस पे आवेदन कर पाएंगे, आज सचिव रविभूषण ने बताया सरकार पर लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएंगी। दूसरे चरण में 31,982 माध्यमिक के, मतलब जैसा कि 6 से लेकर अगर हम बात करें, और 18,880 और उच्च माध्यमिक के 18,830 लगभग तय की गई है, लेकिन आयोग के पास अभी सरकार की पहले चरण की बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजेगी। ऐसी स्थिति में तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ तक लगभग 70,000 पदों का लगभग ये तैयारी थी कि 70,000 पदों पर विज्ञप्ति शुरू हो जाएगी और आज से फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो माननीय सरकार चाहती थी कि और पदों की संख्या बढ़े, जो रिक्त पद उनको भी जोड़ा जाए, इसलिए इसमें आवेदन जो था प्रक्रिया उसे रोक दिया गया है, और यह आवेदन की प्रक्रिया थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा बात देखने को मिल सकती है। अब और आगे देखेंगे नियुक्ति पत्र, यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, आवेदकों की संख्या बढ़ेगी, तो दूसरे जो नियुक्तियां परीक्षा में सबसे अधिक मीडियम स्कूलों के लिए होगी, मतलब 6 से लेकर 8 तक के लिए होगी। पहले चरण बिहार के बीएड के अभ्यर्थियों को प्रथम रिजल्ट नहीं जारी किया था, मैंने पीआईटी में बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया था, लेकिन 3,90,000 छात्रों ने आवेदन किया था। वहीं सैकड़ों अभ्यर्थियों में ऐसे जिन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आवेदन किया, दूसरे चरण में बीएड को मौका दिया जाने आवेदक संख्या बढ़ सकेगी। अब क्या होगा, दूसरे चरण में लेकिन 6 से लेकर 8 तक है, इसमें बीएड के अभ्यर्थियों को मौका इसलिए दिया गया क्योंकि पहले चरण में बेचारे आवेदन किए थे और माननीय न्यायालय के अधीन उन्हें परीक्षा नहीं दे पाए, उस दशा में इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर उन्हें मौका मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे पदों की संख्या भी जगह है, क्योंकि 6 से लेकर 8 तक में बीटीसी के भी अभ्यर्थी होंगे और बीएड के भी अभ्यर्थी होंगे जो इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना सभी लोग को, और एक एक करके माना जा रहा है कि जो पदों की संख्या है वो बढ़ सकती है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पीआरटी है वो पीआरटी के भी पद यहाँ पर इस बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी चर्चा है, इसी बदलाव के साथ हो सकता है विज्ञप्ति जारी हो। वैसे सीटेट का भी विज्ञप्ति शुरू है, सीटेट में भी आवेदन कर दीजिएगा अगर आप जूनियर में देने की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट के भी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेस उपलब्ध है, आप चाहें तो सीटेट के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में है, यहाँ पे पूरे कंप्लीट सीटेट बिहार शिक्षक भर्ती का, अपना जो भी नोट चाहिए इस पर व्हाट्सएप करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि आपको एनसीईआरटी के जो नोट्स, चाहे आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए सीटेट अहम है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें एक कॉमन एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जहां पर ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि हम सीटेट के साथ, अगर आप चाहें
तो सीटेट के साथ बीपीएससी की तैयारी कैसे करें या बीपीएससी के साथ सीटेट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि दोनों का बेस जो है एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के पूरी नोट्स ई-लर्निंग पर दर्गेश पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में लगातार चल रही है, आगे भी चलते रहेंगे। क्लास के जो टाइमिंग है वो आप सुबह के 8 बजे है, फिर 2 बजे है जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है, सुबह के 6 बजे 8 बजे की रिकॉर्डेड वीडियो होती है, शाम के 6 बजे लाइव सेशन होता है, 9 बजे लाइव होता है। अभी 2 क्लासेस मंडे से और बढ़ जाएंगी, उनकी भी टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे वहां ज्वाइन कर लेंगे, आपको सभी क्लास की लिंक और वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा लगभग प्रैक्टिस सेट है जीएस जीके के, वो भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज यहाँ पर आप सभी को मिलती रहेगी। फिलहाल अपनी तैयारी करते रहिएगा, अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिएगा। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर करिए, कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कॉमेंट करेगा, कोई अगर सुझाव भी हो तो इस वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से कॉमेंट कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी को, आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।